इसमें जो मेन बेटा पर्पस क्या होता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग में कि आपने टॉप पे वहां पे पहुंचना है, उसके लिए आपने कौन कौन से मेथड यूज करने हैं। दिस टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी मच पॉपुलर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्च आउट करते रहते हैं, अपना प्लानिंग करते रहते हैं कि हमने कौन सी रॉक को क्लाइंब करना है, उसके लिए वो अपना पूरा प्लान आउट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से सोर्सेज हमने यूज करने हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से इसके लिए चाहिए होते हैं। आपको बेसिक्स ये पता होना चाहिए, व्हाट इज रॉक क्लाइंबिंग, इट इज अंडरस्टूड बाय द रॉक क्लाइंबिंग वर्ल्ड। आपने रॉक को किसी को भी क्लाइंब करना है, उसकी टॉप पे पहुंचना है और सेफली वापिस आना है, दैट इज द मेन पर्पज। ठीक है, क्लाइंबिंग का मेन पर्पज क्या है, सेफली आपने क्लाइंब करना, टॉप पे पहुंचना है, उसके बाद सेफली वापिस आना है, दैट इज द मेन पर्पज। और इसमें क्या क्या आपका यूज होता है इक्विपमेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। समटाइम देर इज ए क्वेश्चन कि विच इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग, देर आर अ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, दैट इज आपका शूज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, आपको पर्टिकुलर कौन से शूज पाने हैं, देन सेफ्टी बेल्ट, हुक्स, डिफरेंट क्लिपर्स, रोप्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। व्हेन एवर यू आर क्लाइंबिंग एनी रॉक, व्हाट हैपन, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, उनके पास एक हैमर होता है। ठीक है, सम टाइम दे आर डूइंग दैट, पर्टिकुलर नेल्स को वहां पे लगाते हैं, रोप होती है, रोप को वो डाल के, रोप को पकड़ के वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। देन देर इज ए डिफरेंट सेफ्टी, उनके पास बेल्ट होती हैं, उनके पास बैग्स होते हैं, वो सारी चीजें इक्विपमेंट में, क्लिपर्स, बोल्ट, हेलमेट, ये सारी चीजें आपको पाके ही क्लाइंबिंग करनी चाहिए। सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में देर इज ए 100% चांसेस ऑफ डेथ्स। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पे टोटली जो पर्सन होता है वो हाईली रिस्क पे होता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज ये टोटली बेस अपॉन थ्रिल, स्टंट्स, तो उसके लिए आपको सेफ्टी मेजर बहुत ही जरूरी है, एंड दैट शुड बी अ वेरी हाई लेवल है, हाई क्लास का होना चाहिए आपका इक्विपमेंट। उसको प्रॉपर यूज करने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है। तो दैट इज द मेन पर्पस, हमने जब रॉक क्लाइंबिंग करनी है तो हमको डिफरेंट इक्विपमेंट्स अपने साथ रखने हैं। आपको अपना डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, कहाँ पे अपने जाना है, कहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, फिर कैसे वापस आना है, वो आपका पूरा एक ट्रेवलिंग का पाथ बना होता है। क्लाइंबिंग आपने कहाँ से करनी है, कहाँ से आपने वापस आना है, तो मेन पर्पस इसका क्या होता है, इसमें आपका सारा कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी का यूज होता है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत यूज होती है। व्हेन एवर यू हैव टू क्लाइंब, आपको हैंड में आपके बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी आप रोप के साथ ऊपर जा सकते हो, अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर सकते हो। इसी में आपका नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया हमारा रॉक क्लाइंबिंग, देन नेक्स्ट ट्रैकिंग, एज यू नो ट्रैकिंग क्या होता है, आपने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपने ट्रैकिंग और वॉकिंग करनी है। समटाइम यू हैव सीन पीपल, दे टुगेदर मेक ए ग्रुप एंड कीप देयर ऑल, सारी भी जो जरूरत की चीजें होती हैं, ठीक है, जो उनको चाहिए होती हैं, दे स्टार्ट, दे मूव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रैकिंग और वॉकिंग। इसमें मेन पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आप जितना भी स्ट्रेस है लोगों पे, आप सारा काम कर रहे हो दिन भर, उसके बाद भी आपको क्या है, रिलीफ नहीं होता है, आफ्टर डूइंग योर पूरा दिन आप काम कर रहे हो, स्टिल सोती बार उठती बार आपको टेंशन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, यू जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग वॉकिंग ट्रैकिंग के लिए। जो
आपको एक हैप्पी फील करता है ऐसा एटमॉस्फेयर, और जो हम ट्रैकिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं दैट इज इन अ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर्स। आप कहीं पे भी फॉरेस्ट में जहां पे आपको पता होगा ट्रैक का पता है वहां पे आप चले जाते हो, नेचर्स के बारे में आपको इससे बहुत नॉलेज मिलती है, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक रहता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। कोई भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटी करते हो, वॉकिंग करते हो, नो डाउट उससे आपको एक इंटरनल आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यू फील हैप्पी, और मोर ओवर जितने आपके ऑर्गन्स होते हैं वो आपका प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। उससे क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, लंग्स कैपेसिटी अच्छी होती है। देन देर इज ए बिलोंगिंगनेस व्हेन यू आर ट्रेवलिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग विद योर ग्रुप्स, योर सर्कल्स, योर फ्रेंड्स, तो एक बिलोंगिंगनेस होती है, ठीक है। ये क्वालिटी, इमोशनल क्वालिटीज, क्योंकि आप लोग समटाइम यू हैव टू स्टे इन द फॉरेस्ट, पीपल दे आर कैरिंग देयर, क्या होता है आप आज की डेट में आपने देखा होगा हट्स, टेंट्स, सब कुछ रेडीमेड मिलता है, वो आप कैरी करो व्हेनेवर यू फील, जहां पे आपको एप्रोप्रिएट कोई प्लेस होती है वहां पे आप टेंट्स अपने लगा सकते हो, आप वहां पे आराम से रह सकते हो। तो इसके लिए भी आपको क्या चीज है, सबसे मेन चीज होती है इसमें स्लीपिंग बैग। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, तो यू नीड अ स्लीपिंग बैग, क्योंकि आप सारा सामान कैरी नहीं कर सकते हो, बट यू कैन इजिली कैरी दैट स्लीपिंग बैग, एंड दैट बैग्स दे आर अ वेरी गुड इन अ डिफरेंट एटमोसफेयर। जो भी आपका एनवायरमेंट है, कोल्ड है, जितना भी हो, आप उसको अगर यू कैन comfortably sleep, तो sleeping bag, then water bottles, safety kit, first aid kit, then main आपका उसमें आपका trekking में आपके पास trekking का map होना बहुत जरूरी है। You should know कि where you are going for trekking. Trekking and walking means कि आपका vision clear होना चाहिए, आपके पास map होना चाहिए, आपने कहाँ पे जाना, ये नहीं कि आप कहीं भी forest में चल जाओ and then it will be problem for all the trackers, ठीक है। Sometimes there is a in forest, in jungle, they have written कि this is a prohibited areas, ठीक है, वहां पे animals या elephants या कोई man eaters हो सकता है। To avoid that any incident, to first of all you have to create that particular map of tracking traveling. Then आपका रिवर राफ्टिंग, अगर आप में से काफी बच्चों ने रिवर राफ्टिंग की होगी, इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस नियर बाई एनी हिल स्टेशन, आपके कुल्लू मनाली में, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ये आपका टूरिस्ट जो प्लेस है वहां पे ये यूज करते हैं रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग सबसे आपको रिवर राफ्टिंग में एक चीज पता होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर राफ्टिंग, डिफरेंट रिवर्स की जो स्पीड है, ठीक है, उनका जो वाटर का लेवल देख के इसमें उन्होंने कई लेवल्स बनाए हैं, और ये आपको बुक्स में भी दिया है कि ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, फोर एटसेट्रा, देयर इज अ डिफरेंट ग्रेड फॉर डिफरेंट water river rafting, and what we call this river rafting also white water rafting, mostly jahan rivers mein hum rafting karte hain unka jo water hota hai wo white hota hai, kyunki unka flowing aur beech mein aapke kya hoti hai choti choti si wahan pe jo stones hote hain jo patthar badi badi chattane hoti hain usse pani lag lag ke kya hota hai white ho jata hai, flow ki wajah se bhi white ho jata hai। अब इसमें आपको सबसे पहले ग्रेडिंग का मैं बता देता हूं, उसमें व्हाट हैपन, जैसे आपका ग्रेड वन है, ऐसे वन टू थ्री फोर, वो सारा आपका जो वाटर पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हम बिगनर्स हैं तो देन ग्रेड वन,
ठीक है, इफ यू वांट टू डू दिस ऑल, इफ यू वांट टू लर्न द डिफरेंट टेक्निक्स, हाउ टू कैसे रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है। ग्रेड वन दैट इज फॉर बिगनर्स, ठीक है, जहां का जो वाटर होता है वो ऑलमोस्ट स्टिल होता है, आपका वाटर का जो पोजीशन होगी लिटिल बिट स्टिल होगा, वो फ्लोइंग उसमें नहीं होगा। देन ग्रेड टू जेंटली आपका वो फ्लो कर रहा होगा, ग्लोइंग वाटर होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट थ्री में आ जाता है मॉडरेट, जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जहां पे आपकी मेन होती है। आपने देखा होगा अगर आप में से किसी ने भी रिवर राफ्टिंग की होगी तो दोज हु आर अ पर्सन दे ऑल आर क्वालिफाइड एंड हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये नहीं है कि आपने कोई राफ्ट ले ली है, यू जस्ट वेंट ऑन द रिवर्स और आपने अब किसी की लोगों को बिठाया और लेके चले गए हो, ठीक है, ऐसे उसमें वहां पे उनकी ग्रेडेशन होती है और टाइम टू टाइम बेटा उनको अपग्रेड करते हैं। और डिफरेंट सिचुएशन में आपको अगर सपोज देर एनी इंसिडेंट तो व्हाट यू हैव टू डू, वो सारी चीजें उनको ट्रेन करके तभी उनको एक लाइसेंस परमिट मिलता है। जितने भी अगर आप कभी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाते हो, सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर पैराग्लाइडिंग, ठीक है, रिवर राफ्टिंग, आप वहां पे देखोगे जितने भी लोग बैठे होते हैं दे हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट दैट दे आर सर्टिफाइड ट्रेनर्स राइडर्स फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट्स, और उनका टाइम टाइम पे अपग्रेडेशन करते रहती है गवर्नमेंट, सो दैट जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, 5 ईयर का बनेगा, उसके बाद फिर वो ट्राई लेंगे या पूछेंगे, मेडिकल चेकअप करेंगे कि वेदर ही और शी इज फिट फॉर ड्राइविंग और नॉट। तो सेम इन द केस ऑफ दिस ऑल द एक्सपर्ट्स दोज हु आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज एवरी ईयर दे हैव गॉन थ्रू विद द दिस ऑल रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट। After that, again they will entitle for that particular activity. Same, आपका moderator आ जाता है, जहाँ पे आपका water की थोड़ी speed ज़्यादा होगी है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, experience requirement is there. अगर आप वहाँ पे river rafting करते हो, तो you need a qualified, perfect persons. उसके under आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा. Then medium waves आ जाती हैं, then high waves आ जाती हैं. और समटाइम रिवर राफ्टिंग जो करते हैं वो आपने ऋषिकेश वगैरह में देखा होगा, जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है और स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन वी नीड अ लॉट ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिफाइड दैट राइडर्स। उसमें मेन सबसे पहले आपको क्या होता है, आपकी जो स्विमिंग जिसको हम बोलते हैं लाइफ जैकेट, आपको पता होगा जब भी कोई राफ्टिंग करता है तो सबसे पहले वो, इवन इफ यू आर बोटिंग इन एनी लेक्स, सबसे पहले काम क्या होता है कि आपको लाइफ जैकेट बनाई जाती है कि सो दैट अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती है तो वो उतनी देर अपना, उसको जब तक फर्स्ट एड नहीं मिलती है तो ही और शी कैन बी पानी के वो ऊपर ही रहेगा, वो डूबेगा नहीं। तो आपका मेन है लाइफ जो स्विम सूट होता है, लाइफ जैकेट, देन योर हेलमेट्स। यू हैव सीन, अगर आपको किसी को यू रिमेम्बर देयर इज अ वन इंसिडेंट इन कुल्लू मनाली, ठीक है, वहां पे कैजुअलिटीज हो गई थी, डेथ्स हो गई थी, बिकॉज वहां पे जो वाटर के अंदर डिफरेंट आपके जो बड़े बड़े से स्टोन्स हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है अगर पानी से राफ्ट से कोई गिर जाता है तो उसका फ्लो इतना ज्यादा है, अगर आपने स्विमिंग कॉस्ट वो पाया है, लाइफ जैकेट भी डाली है, तो व्हाट हैपेंड, वो फ्लो में जब आप जाओगे तो यू हिट दैट पर्टिकुलर बड़ी जो चट्टानें हैं, किसी का अगर हेड लग गया है, हेलमेट्स अगर गिर जाता है, तो देन देयर इज अ चांसेस ऑफ इंजरीज, वहां पे डेथ्स भी हुई है। बट दोज हु आर राइडर्स दे आर वेरी ट्रेन, उनके पास रोप्स होती हैं, ठीक है, वो रोप्स को फेंक देते हैं कि यू जस्ट होल्ड दैट, अगर आप उस रोप को पकड़ लेते हो तो वो आपको सेव कर लेते हैं। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज
अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप लोगों ने इमीडिएटली कैसे हेल्प करनी है, इमीडिएटली दे ब्लो द विसल्स, उनके पास विसल्स होती हैं, वो उसको ब्लो करते हैं, और जो नियर बाई कोई भी और जो राइडर्स होते हैं वो इमीडिएटली हेल्प के लिए आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें माउंटेनिंग। माउंटेनिंग का आपने देखा होगा जो माउंटेनिंग करते हैं लोग, वो डिफरेंट उनका एक मोटिव होता है कि हमने वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक है उस पे हमने आपको, अब तो नाउ इट इज अ वेरी इजी बेटा माउंटेनिंग, बट कैन यू इमेजिन व्हेन द फर्स्ट पर्सन जो आपका हाईएस्ट पीक पे माउंट एवरेस्ट पे गए थे, एट दैट टाइम देर इज नो सच अ हाईली लेवल ऑफ इक्विपमेंट नॉलेज, ईच एंड एवरी मिनट्स और डेज वाइज आर वाइज वी कैन नो द वेदर कंडीशन, स्नो पड़नी है, वेदर खराब होना है, वो हम सब कुछ देख सकते हो ना, टेक्नोलॉजी इज सो मच एडवांस, बट कैन यू इमेजिन कि एट दैट टाइम, दैट इज नियर अबाउट इन 1953, दैट वॉज द मेन सर एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे, हाँ दैट पर्सन इज फ्रॉम नेपाल, दे आर द फर्स्ट पर्सन जो आपका माउंट एवरेस्ट को क्लाइम जिन्होंने किया था, और वो भी आप देख लो 50s में, 53 ऑलमोस्ट, उस लेवल पे उनके पास क्या, उनके पास इक्विपमेंट्स है, क्या डिवाइसेस थी, दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अभी तो आपके पास हर चीज अवेलेबल है, आप हर अपना जो भी आपका ट्रैकिंग का है, माउंटेनिंग का है, राफ्टिंग का है, आपके पास सारा रोड मैप होता है, आपके पास इक्विपमेंट्स वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, आपको फीडबैक के लिए सारे बैठे होते हैं, बट एट दैट टाइम आप देखो कि उनके पास कितने सोर्सेज होंगे और क्या क्या फैसिलिटीज होगी। उन्होंने उस टाइम एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, अभी भी बहुत सी कैजुअलिटीज बेटा वहां पे होती हैं, लोग जाते हैं, बहुत कैजुअलिटीज होती हैं, इट इज नॉट इजी, 800 आठ वहां पे 8848 मीटर्स उसको क्लाइम करना, और पूरा स्नो है, सम टाइम देयर इज वहां पे आपका लैंड्स उसमें ग्लेशियर्स आ जाते हैं, कोई स्ट्रॉम आ जाता है स्नो का, देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, और उतनी वहां पे माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है। देन देयर इज अ वन मोर एडवेंचर स्पोर्ट्स इज सर्फिंग, ठीक है, इसको बोर्ड सर्फिंग हम बोलते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जहां पे वेव्स बड़ी बड़ी आती हैं, ठीक है, ओशियन में, लेक में भी करते हैं, बट मेनली आपने देखा होगा जो जितने भी सी शोर्स हैं, जितने भी आप अगर सर्फर होंगे जो बोर्ड सर्फिंग करने वाले होते हैं, वो जितनी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं वो उसके अंदर जाके वहां पे समटाइम वो विजिबल ही नहीं होते, इफ यू हैव सीन दैट पर्टिकुलर सर्फिंग, अगेन दे कम बैक, एंड दैट इज अ टोटली बैलेंसिंग। आप ये देख लो कि उस बोर्ड पे, वुडन पे या फाइबर का जो बना होता है उस पे वो इतनी वेव्स में अपने आप को बैलेंस करते हैं, और अदरवाइज वेव्स ऐसी होती हैं जैसे वेव्स आती हैं ऊपर, वैसे ही वो अगर कोई चीज उसके नीचे आ जाए तो उसको बिल्कुल नीचे रह जाती है, डाउनवर्ड, एंड दे मैनेज देमसेल्फ, वो वेव्स के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनेज करते हैं। दैट एक्टिविटी इज आल्सो वेरी वेरी डेंजरस, फुली रिस्की, बट पीपल दे आर डूइंग दैट एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है हमारा पैराग्लाइडिंग।
Sixth one, paragliding. It is also one of the risky, thrilling event. इसमें भी मेन सारा आपका डिपेंड करता है, ये जो जितनी जो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज है बेटा, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द एयर. जब भी कोई फ्लाई करता है उसमें आपने देखा होगा, अगर आप लोग में से किसी ने पैराग्लाइडिंग की होगी, जो पैराग्लाइडर्स जो आपके राइडर्स होते हैं, दे आर होल्डिंग दैट पैराग्लाइडिंग फ्रॉम बोथ हैंड्स. देर इज नो, कोई इंजन नहीं होता है, कोई मशीन नहीं होती है, दैट इज टोटली कंट्रोल बाय देमसेल्फ. वो एक पोर्शन को डाउनवर्ड करेंगे, अगर आपने उसको आप अगर कोई आप में से इफ यू वॉन्ट टू स्टंट्स इन द एयर, तो वो एयर में स्टंट भी करते हैं. दे आर सो परफेक्ट. और आपका जो बॉडी वेट है उसको वो जरूर देखते हैं, एयर की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि ये टोटली आपका एयर कंडीशन पे, एयर पे डिपेंड करता है. हाउ यू हैव टू लैंड, अगर एयर की आपको एयर कहाँ पे किस तरफ जा रही है, आपके उस आपने जब उसको लैंड करना है तो आपने कहाँ से करना है, ये सारा उस पे एयर पे यूज होता है आपका. और जितनी भी आपके जो पैराग्लाइडिंग के लिए पैराशूट जो होते हैं आपके, दे आर हाईली इक्विप्ड, और उनका टाइम टाइम पे चेकअप किया जाता है, उनकी जो कंडीशन है उनको चेक की जाती है. सेम आपका दिस रिवर राफ्टिंग है, जो इसमें आपका रिवर राफ्टिंग में बोट यूज होती है बेटा, दैट बोट इज वेरी वेरी कॉस्टली. वो जो बोट होती है आप ये देखो, वो बोट रिवर में कितनी बार वहां पे वो स्टोन्स बड़े बड़े वहां चट्टाने पड़ी होती है, उनसे लगती है, फिर वापिस आते हैं, साइड से जाते हैं. तो वो जो आपकी बोट होती है दैट इज 5-6 lakhs. सेम इन द केस ऑफ योर पैराग्लाइडिंग, जो पैराग्लाइडिंग के लिए आपका इक्विपमेंट सूट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि सारी रेजिस्टेंस एयर की उन्होंने उस पर ही करनी होती है. और उसका भी टाइम टाइम पर गवर्नमेंट उनसे, जितने भी ऑथोराइज लोग होते हैं इसके लिए, अगर आप गए होंगे जितने भी हिल स्टेशन में, तो यू हैव सीन देम, उनके बकायदा उनकी हर चेकअप होती है बिफोर स्टार्ट ऑफ द सीजन, कि वेदर देयर इक्विपमेंट दे आर अप टू द मार्क और नॉट. अदरवाइज इन दीज ऑल एक्टिविटीज इफ देयर इज अ लिटिल बिट नेग्लिजेंसी फ्रॉम द राइडर्स और दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग, देन देयर इज अ टोटली रिस्क ऑफ लाइफ. ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसमें बेटा, अगर कोई भी गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसमें या तो वो थ्रू आउट पर्सन फॉर एवर इंजर्ड हो सकता है, और अदरवाइज डेथ कैजुअलिटीज आर देयर. तो वेन एवर वी अवॉइड व्हाइल यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एनी एडवेंचर एक्टिविटीज, यू हैव गॉन थ्रू विद द प्रॉपर डायरेक्शन, गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशंस, उसको लेके ही आपको एक्टिविटी करनी चाहिए. अदरवाइज देन यू आर आप अपने आप को टोटल रिस्क में ले रहे हो. तो उसमें आपको सारी चीजें उन्होंने बताई है कि आपने इक्विपमेंट आपका प्रॉपर चेक होना चाहिए, ठीक है. वहां जो उन्होंने आपको गाइडलाइंस, समटाइम इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एनी पार्क, वहां पे लिखा होता है ना, ये राइड जो है ये 6 से बिलो नहीं है, ठीक है, ये बच्चों के लिए नहीं है, हार्ड पेशेंट के लिए नहीं है. वो सारे प्रिकॉशन जो गाइडलाइन लिखी होती है उसको देख के ही आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए. अगर कोई हार्ट पेशेंट्स है, ठीक है, उसको वो चीज एक्टिविटी नहीं करवानी है. तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स. ये आपका जो टॉपिक है ये आज फिनिश हो गया है. टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट आपका जो वीक में टेस्ट होगा, that is compulsory to each and every students. Those who are not participating, usko reason dena hoga.